सरदार उधम सिंह कोहली, इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 सुनाम, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। मृत्यु 31 जुलाई 1940, उम्र 40, पेंटोविले जेल, यूनाइटेड किंगडम में हुई। अन्य नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद, संस्था गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय श्रमिक संघ, राजनीतिक आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़े थे। धर्म से वे सिख थे। सरदार उधम सिंह कोहली का नाम भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल लो ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्याकांड ओ ड्वायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पंजाबियों को डराने के उद्देश्य से किया गया था। यही नहीं, ओ ड्वायर बाद में भी जनरल डायर के समर्थन से पीछे नहीं हटा था। मिलते जुलते नाम के कारण यह एक आम धारणा है कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर, पूरा नाम रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, को मारा था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासक ओ ड्वायर जहां उधम सिंह की गोली से मरा सन 1940, वहीं गोलीबारी को अंजाम देने वाला जनरल डायर 1927 में पक्षाघात तथा कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर मरा। उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के एक जिले का नाम भी इनके नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया है। उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के एक जनपद का नाम भी इनके नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया है। सरदार उधम सिंह कोहली का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। वो कंबोज कोहली परिवार के जम्मू गोत्र उपजाति से ताल्लुक रखते थे और अपनी ऐतिहासिक शहादत से भारत की बहादुर क्षत्रिय परंपरा को बरकरार रखा, एक ऐसी परंपरा जिसे उन्होंने अपने गौरवशाली वैदिक आर्य दिनों से हमेशा बनाए रखा है। सन 1901 में उधम सिंह की माता नारायण कौर और 1907 में उनके पिता टहल सिंह का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के तीन प्रमुख धर्मों। सरदार उधम सिंह कोहली का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के तीन प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वो पूरी तरह अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो विचलित नहीं हुए और देश की आजादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। माइकल लो ड्वायर की गोली मारकर हत्या संपादित करे उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाए। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल लो ड्वायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवाल्वर भी खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल लो ड्वायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल लो ड्वायर भी वक्ताओं में से एक था।
उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। दो गोलियां माइकल ओ डायर को लगी जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। बनकर जनरल डायर छुपकर वार करेगा कोई काया, उसके घर में घुसकर मारेंगे वीर उधम सिंह कहलाएंगे।